बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाने और लौकी की खीर, जिसके लिए हमें लगे हैं। मैंने एक कप सोख कर लिया साबुदाना, 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। 5 चम्मच शक्कर, 2 इलायची, कुछ नट्स हैं और ये लौकी जिसका मैंने हरा पार्ट कद्दूकश कर लिया था, ये 3 चम्मच कद्दूकश की हुई दूधिया लौकी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है 1.25 लीटर दूध जो बॉयल हो रहा है। अच्छे से बॉयल हो जाए फिर हम इसमें साबुदाना ऐड करेंगे। इसमें साबुदाना ऐड करेंगे। आपको मीठा कम पसंद है, शक्कर कम कर दीजिए, वो 5 चम्मच शक्कर है। मेरी वीडियो एंड तक देखिए। हमें पकाते पकाते इसे 5 मिनट हुए, अभी ये गला नहीं है, थोड़ा सा और गलेगा। हम इसे बहुत अच्छे से गला रहे हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी रहती है खीर, साबुदाने और लौकी की खीर। इसमें आप शक्कर ऐड कर देंगे। हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए और साबुदाना अच्छे से गल जाए। फ्लेम हम तेज कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे। इसे पकने देंगे धीमी आंच पे 5 मिनट और। देखिए कितना अच्छा सा ये पक गया है साबुदाना, लौकी भी गल गई है। टोटल हमें इसे पकाने में 10 मिनट लगे। अब हम इसे डिश आउट कर दें। यह है इसका लुक, हमारे साबुदाने और लौकी की खीर। रेसिपी पसंद आया तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।